अगर आपकी लेथ मशीन भी टेपर देती है तो इस वीडियो को पूरा देख लो, आपकी लेथ मशीन से बिल्कुल टेपर खत्म हो जाएगी। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। टेपर सेट करने से पहले आपकी लेथ मशीन की लेवलिंग बहुत ज़रूरी होती है, ये 4 से 5 माइक्रोन का फ़र्क लेवलिंग से आ जाता है। अगर आपकी लेथ मशीन की लेवलिंग सही नहीं है तो आप जितना सेट करना है कर लो, आपकी जॉब से टेपर बिल्कुल जाएगी नहीं, तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले लेवलिंग करना। हम लेवलिंग इस तरीके से करते हैं कि एक वाटर लेवल लेके स्लाइड की जो डीप रहती है उस पर रख देते हैं और एक काली लाइन रहती है इसमें, तो इसमें बबल टच होता हुआ हम चारों स्लाइड पे ऐसे सेट करते हैं, जैसे हर एक स्लाइड पे सब पे एक लाइन पे बबल टच हो रहा है जैसे वीडियो में देख रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी रहता है कि किसी एक लाइन पे बबल टच हो, आप भी इस तरीके से करिए। अगर कहीं लेवलिंग में फ़र्क आता है तो आप ऐसे रबड़ के पैकिंग लगा सकते हैं, ये रबड़ के पैकिंग इसलिए ज़रूरी रहते हैं ताकि ये एंटी वाइब्रेशन का काम करे, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लेवलिंग सही नहीं रहती है, मानो कि आगे से स्लाइड उठी हुई है और पीछे से झुकी हुई है, तो आपका टूल की जो डेप्थ रहती है वो आगे से तो घुस के चलेगा लेकिन पीछे से उड़ जाएगा, जिससे 4 से 5 माइक्रोन का फ़र्क आपको कट में मिलता है। सबसे पहले चक को और स्लाइड को एक दूसरे से अलाइन करना पड़ता है। चक में आपको कोई से भी जॉब ले लें, मिनिमम 10 इंच का तो होना ही होना चाहिए, ये हमने सेंटर लगा रखा है लेकिन आपको चक में कसना है, इस जॉब को 10 इंच का होना चाहिए। चक में कसने के बाद, थ्रू करने के बाद आपको 10 इंच की एक शाफ्ट पे एक आधा mm का कट लगा के देखना है और उसको माइक्रोमीटर से नापना है कि किधर डाउन आ रहा है और किधर ज़्यादा आ रहा है। अगर चक की साइड ये प्लस आता है, मानो अगर चक की साइड पे नाप ज़्यादा आ रहा है, तो लेथ मशीन के हेड को मोटर की तरफ खिसकाएंगे। अब खिसकाना कैसे है ये वीडियो में देखें आप। लेथ मशीन के हेड के नीचे नट रहते हैं, ये खिसकाने के लिए रहता है और नीचे टाइट करने के लिए अलग रहते हैं, तो दो इस साइड रहते हैं और दो इस साइड रहते हैं, तो टोटल हेड में 4 नट रहते हैं ऐसे। ये आपको जैसे नट नीचे दिख रहा है ये हेड को टाइट करने के लिए रहता है, ये आपको चारों नट को लूज़ करना है। अगर आपको हेड को खिसकाना है सबसे पहले चारों नट को लूज़ कर लेना है, और आप खिसकाने से पहले ऐसे पतले मार्कर की जो टिप रहती है उससे एक लाइन लगाना है। जब आप खिसकाएंगे तो ये लाइन आउट हो जाएगी और आपको पता पड़ेगा कि किधर खिसका है। इस तरीके के नट लेथ मशीन के हेड को खिसकाने के लिए रहते हैं, एक आफ की तरफ रहता है और दूसरा मोटर की तरफ रहता है, कुछ की लेथ मशीन में ये हेड के अंदर रहते हैं। इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, मानो ये एक जॉब है जो चक पे कसी हुई है और ये नीचे की एंगल एक तरीके से स्लाइड है। अब आपका टूल अगर सीधा चल रहा है तो इसमें टेपर देखने को नहीं मिलेगी, इस तरीके से अगर सीधा चल रही स्लाइड तो टेपर देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपके लेथ मशीन का चक थोड़ा इधर स्लाइड की तरफ घूम जाता है तो जहाँ बाहर वाला हिस्सा है पहले टूल उसे काटेगा, ऐसे काट के तो ये डाउन हो जाएगा और पीछे का प्लस हो जाएगा। इस कंडीशन में जॉब पे पीछे से लेके आगे की तरफ टेपर देखने को मिलेगा, ये चक की साइड प्लस आ जाएगा और आगे माइनस आ जाएगा। इस कंडीशन में आपको लेथ मशीन को मोटर की तरफ खिसकाना है। आप एक बात को ध्यान रखें, जब भी चक की तरफ प्लस आता है, नाप प्लस में आता है, तो जॉब को चेक मोटर की तरफ खिसकाना है। और खिसकाना कैसे, जब आपके साइड पे जो नट रहते हैं उसे दबाना है, तो ये इस तरीके से खिसक जाती है जॉब और फिर टूल बिल्कुल एक्यूरेट चलने लग जाता है। अगर चक का हेड बाहर की तरफ खिसक जाता है तो टूल क्या करेगा, सबसे पहले बाहर वाली जगह को काटेगा जो चक के पास रहती है, तो ऐसे काटते काटते चक की तरफ माइनस आ जाएगा और पीछे की साइड प्लस आ जाएगा। अगर इस कंडीशन में जब चक की तरफ माइनस आ जाता है तो चक को अपनी तरफ खिसकाना है, मतलब लेथ के हेड को अपनी तरफ खिसकाना है, जो मोटर की तरफ नट लगे रहते हैं उन्हें दबाएंगे तो यह आपकी तरफ खिसक जाएगा और जॉब वापस एक्यूरेट हो जाएगा। इस तरीके से आपकी स्लाइड से हेड की टेपर ख़त्म हो जाएगी। एक ही मेथड ध्यान रखना है, जब आपका जॉब चक पे कसा हुआ हो वो कट लगाने के बाद चक की तरफ प्लस आए तो उसे मोटर की तरफ खिसकाना है, और अगर चक की तरफ माइनस आए तो उसे ऑपरेटर की तरफ खिसकाना है। और एक तरीके से और देख सकते हैं, आपको टूल पे एक धार लगानी है और जब प्लस आ रहा है वहाँ पे टिप को ले जाना है, जब आप इसे खिसकाएंगे तो प्लस वाली जगह पे एक गैप बनेगा, तो आपको इस तरीके से भी पता पड़ जाएगा कि कितना खिसकी है जॉब।
और फिर एक फिनिशिंग कट लगा के दोनों एंडों को नाप के चेक कर सकते हैं माइक्रोमीटर से। और अगर चक की साइड जॉब माइनस में आए और अपोजिट साइड प्लस में आए तो लेथ मशीन के हेड को अपनी तरफ खिसकाना है उधर के नटों को दबा के। ये सब करने के बाद आपके जॉब का नाप बिल्कुल एक्यूरेट आने के बाद आपके लेथ मशीन के हेड के जो नीचे के चार नट आपने लूज़ करे थे उन सबको टाइट कर देना है, फिर बार बार आपकी टेपर बिगड़ेगी नहीं। अब बारी आती है कि जॉब को सेंटर टू सेंटर टेपर ख़त्म करना। एक मेथड ध्यान में रखना आपको कि जब आप सेंटर टू सेंटर काम करें तो लेथ मशीन के हेड को बिल्कुल नहीं छेड़ना, पूरा काम टेल स्टॉक से होगा। अगर आपने टेल स्टॉक को कस रखा है तो सबसे पहले नटों को लूज़ कर लेना है आपको। हमारा टेल स्टॉक एक ही नट से आगे पीछे खिसक जाता है, अगर हम इसे टाइट करते हैं तो ये मोटर की तरफ खिसक जाता है और इसे लूज़ करते हैं तो ऑपरेटर की तरफ आ जाता है। आपको वैसे ही निशान लगाना है जैसे लेथ मशीन के हेड पे लगाए थे ताकि आपको पता पड़ जाए किधर खिसका है। अगर सेंटर टू सेंटर कट लगाने के बाद जॉब टेल स्टॉक की तरफ प्लस में आता है और टेल स्टॉक को अपनी तरफ खिसकाना है, अगर नाप टेल स्टॉक की तरफ माइनस में आता है तो टेल स्टॉक को मोटर की तरफ खिसकाना है। ध्यान रखना अगर लेथ के सेंटर की तरफ नाप प्लस में आता है तो सेंटर को अपनी तरफ खिसकाना है, और अगर नाप सेंटर पे माइनस में आता है, सेंटर की तरफ माइनस में आता है तो सेंटर को मोटर की तरफ खिसकाना है। बस लेथ मशीन की सेंटर टू सेंटर टेपर ख़त्म करने के लिए लेथ मशीन के हेड को नहीं छेड़ना है बस। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी कुछ भी डाउट हो, आपको कुछ भी पूछना तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ऐसी और अब इन्फॉर्मेटिव जल्दी जल्दी आती जाएंगी, बीच में बहुत डिले हो गया था लेकिन